3 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे अब तो। 3 साल का मैसेज मुझे 6 महीने पहले आया, जो भी सवाल थे ना उसके आंसर उसके पास बाहर से आ रहे थे। बाहर वाला बड़ा टैलेंटेड था मतलब। नहीं, बाहर वाले टीचर्स होते हैं, अलग सर और प्रतीक सर, उनको एक भी वीडियो पसंद नहीं आया। लेकिन किस्मत उसी का होता है जिसने कुछ मेहनत किया, तो उस बच्चे ने ही नाम दिया था एक। अच्छा, ये रहा हमारा स्टार। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है सभी लोगों का सीजन 1 के एपिसोड 1 में। तो आज है हमारे साथ MR सर, और MR सर के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, जितना बोला जाए उतना कम है। सभी लोग MR सर को जानते हैं और बच्चे सब बहुत सारा प्यार करते हैं MR सर को। तो स्वागत करते हैं सभी लोग MR सर का। आइए सर। धन्यवाद सर। कैसे सर? बहुत बढ़िया। खाने पीने की व्यवस्था सर बिल्कुल है, और एपिसोड शूट करने के बाद चलेंगे अपन। ठीक है, नमस्कार सभी को। तो आज हम MR सर से बात करेंगे और जानेंगे MR सर की जर्नी कैसी रही। लेकिन कुछ बच्चों के सर सवाल रहते हैं जो जानना चाहते हैं। चलिए तो सर शुरू करते हैं फिर सवालों का सिलसिला आपके साथ। ठीक है सर, पहला सवाल यह है कि आप कौन से स्कूल से हैं और आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही है? ईमानदारी से मैं बताऊं तो बिहार में चरवाहा विद्यालय होता है। अच्छा। बिहार पूर्वी चंपारण में गांव है बखड़ी, वहाँ के चरवाहा विद्यालय में मैं जाता था। उसमें क्या होता था कि खिड़की खुली होती थी, तो मैं जाता था क्लास स्कूल मतलब जब 10 बजे या जो भी शुरू होता था अंदर घुसता था, फिर पैरेलली बाहर निकल जाता था खिड़की कूद के। उसके अच्छा। पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे खेल कूद चलता रहता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 10th में और 12th में और ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज आए थे, या कभी कॉलेज में बैक वैक लगी है आपकी? तो 10th में मेरे 68% थे, और मुझे आज तक ये याद नहीं है कि मैंने खुद से क्या लिखा था। मुझे पता है मेरा सेंटर था किसी शहर में, तो वहाँ पे मेरे बगल में जो बैठा था ना उसका बहुत बढ़िया सेटिंग था। अच्छा। उसके बाद पुर्जा पहुंच रहा था बाहर से, जो भी सवाल थे ना उसके आंसर उसके पास बाहर से आ रहे थे। अच्छा। और वो लिख के मुझे दे रहा था। बाहर वाला बड़ा टैलेंटेड था मतलब। नहीं, बाहर वाले टीचर्स होते हैं। अच्छा, टीचर्स होते हैं। हाँ। अच्छा। तो इस तरीके से मेरा 10th का जर्नी बहुत अच्छा बीता और मेरे 68% मार्क्स। बहुत बढ़िया सर। 12th के परसेंटेज और कॉलेज का कुछ बताइए। 12th में 47% मार्क्स थे। अच्छा, 47 ये जेन्यून है, 47% मार्क्स थे। तो 47% मार्क्स जब मेरे आए थे, मुजफ्फरपुर में मैं अपने बुआ के यहाँ रहता था, तो फूफा जी ने बोला कि आज तक ऐसा खराब भयात घटिया नालायक हमारे घर पे कोई नहीं आया। अच्छा। तुम ही आए हो जिसके 47% मार्क्स बन रहे हैं। तो मुझे इस बात का थोड़ा दुख हुआ और होने भी थे। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें एक एंगल है। तो 12th में जब मैं गाँव से निकल के शहर बुआ के यहाँ रहने गया, तो मैं हिंदी मीडियम में था, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा था हिंदी में पढ़ा था, जितना भी पढ़ा था 10th में 9th में। तो हिंदी मीडियम में होने की वजह से मैं ट्यूशन गया पढ़ने किसी एक मास्टर के यहाँ, तो वो साहब अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे। अब उस वर्ड को मैं हिंदी में लिख रहा था, तो मैं अपने फूफा जी के यहाँ आता तो फूफा जी कॉपी चेक करते, बोलते ये क्या पढ़ेगा, इसको तो केमिस्ट्री लिखना नहीं आ रहा। अभी भी बच्चे जनरली बिहार में, MP में, UP में, राजस्थान में पूछते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे करेंगे पढ़ाई। बहुत बच्चों का सवाल रहता है। बहुत बच्चों का सवाल रहता है। तो मैं भी हिंदी मीडियम में था और 3-4 महीने तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के मैथ को छोड़ के सिर्फ इसी में परेशान रहा कि जो मास्टर बोल रहा है उसको लिखना कैसे। लेकिन जब 47% मार्क्स आए मेरे, तो मैं भाग के चला गया अपने नाना जी के यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि बचपन मेरा कभी नाना जी के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी अपने घर पे बीता था, रेगुलर नहीं हो पाया था। अच्छा। तो इस वजह से नाना जी से थोड़ा क्लोज था मैं, उनके यहाँ गया और बोला कि मुझे पढ़ना है, ऐसे हो गया। तो नाना जी ने मुझे 5,000 रुपये दिए। अच्छा। और 5,000 में एक ही ट्यूशन आ सकता था। तो फिर मैं कॉलेज में ना जाके एक मकबूल सर हैं मुजफ्फरपुर में, RDS कॉलेज के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उनके यहाँ मैं 5,000 रुपये दे के फिजिक्स का कोचिंग लिया। अच्छा। अब मैंने मुझे चूज करना था कि मैं एक ही पढ़ सकता हूँ इतने पैसे में, तो मैंने फिजिक्स चूज किया और बाकी दो के लिए पैसा नहीं था। तो मेरे दोस्त थे, रवि है और भी 2-3, सुजीत है, ऐसे 2-3 दोस्त थे जो केमिस्ट्री और मैथ मुझे पढ़ाते थे घर आके। अच्छा। उसके बाद फिर से मैंने 12th दिया था। अच्छा। 12th मैंने दोबारा दिया, उसमें मेरे कुछ 81% मार्क्स आए थे PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, जिसके वजह से मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और यहाँ पे आने के बाद कुछ दोस्त बने। कुछ दोस्त बने तो उसमें क्या था कि यही जानना है हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, या आप बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के IIT में जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, यादवपुर यूनिवर्सिटी, ISC बैंगलोर, बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, TFR में जाते हैं, ISC में जाते हैं, या फिर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, एम्स, मौलाना आजाद और इन कॉलेजेस में। तो इन कॉलेजेस का ना एक ब्यूटी है, और ब्यूटी ये है कि इस कॉलेज में एक बच्चा
मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से भी आके बैठा होगा, और एक बच्चा बेचारा ऐसा भी आया होगा जिसके जूता जो होगा टूटा हुआ होगा, या चप्पल पहन के आएगा, गंदे कपड़े में आएगा, और वो एक ही क्लासरूम में पढ़ेगा। तो इसलिए ये इंडिया है, सही बात, बहुत अच्छी बात है ये। तो ऐसा सिनारियो था मेरे साथ वहां पे जब मैं गया, तो एक रूम लिया था जिसमें हम लोग चार लोग रहते थे और खुद ही खाना बना के खाते थे, टिफिन लेके जाते थे, दिखने में ठीक ठाक थे लेकिन जैसे ही बोलते थे तो कोई भाग जाता था। तो दोस्ती उतनी हो नहीं पाई कॉलेज में, तो यूपी राजस्थान के एक दो लड़के थे उनके साथ रहता था, अपने टाइप के जो थे, धीरे धीरे ये भी था। अच्छा, कॉलेज में जब जाओगे, बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे तो म्यूजिक सोसाइटी होता है, गेम सोसाइटी होता है, आर्ट होता है, डांसिंग सोसाइटी होता है, तो वहाँ पे कल्चर था पढ़ाई कम एक्स्ट्रा करिकुलम ज्यादा। लेकिन अपन किसी में जा ही नहीं सकते थे क्योंकि जहाँ जाते हो भगा देता एक ही दिन में। तो पढ़ाई किया और बहुत डर लगता था कि बहुत मुश्किल से पढ़ के यहाँ पे पहुंचे हैं, फेल कर जाएंगे तो क्या होगा। एक मैथमेटिक्स में बैक आया था बीएससी में। अच्छा, क्या हुआ? मैथ में बैक आया था, वो बैक मेरे दो साल क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, थर्ड ईयर में जाके क्लियर हुआ। वो बहुत अजीब सा पेपर होता था मैथमेटिक्स का। अच्छा, तो लास्ट मोमेंट पे जब एंड आया ना, जब सेमेस्टर का पेपर था, तो सेमेस्टर के पेपर के टाइम पे अपन तो पढ़ के तैयार थे, और जो बड़े बड़े जो लोग थे डांस सोसाइटी कैंटीन वाले म्यूजिक सोसाइटी में, तो उनका तैयार नहीं था। अब वो ढूंढने आए, तो एक दोस्त बना मेरा इसी से, तरुण करके है, और बहुत सारे दोस्त बने फिर, उनको मैंने पढ़ाया। अच्छा, और पढ़ाने के बाद ये हुआ कि मेरे मार्क्स वहाँ पे आए कुछ 62 और उसके है 78। अच्छा, हाँ, उसने सुंदरता से लिख दिया होगा। हाँ, सुंदरता से लिखा, राइटिंग अच्छी थी, इंग्लिश अच्छा था, और हमारे कंसेप्चुअल तो हम ठीक थे लेकिन उसको लिख नहीं पाए, और जिसको पढ़ाया वो ज्यादा लिख दिया। जब बीएससी पास किया तो एमएससी का एंट्रेंस दिया था, जैम का पेपर दिया था, जैम में भी मेरा रैंक अच्छा आया था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में AIR 4 आया था मेरा। अच्छा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं गया, उसके बाद कैंपस में जब मैं पहुंचा डिपार्टमेंट में एमएससी फिजिक्स करने, वहाँ पे पहले सेमेस्टर में 4 में से 3 पेपर में मेरा बैक लग गया। और बोलते ना कि शहर की हवा लग गई, शहर की हवा लग गई, और वहाँ पे मुझे हॉस्टल मिल गया। AIR 4 आया था, जुबली हॉल हॉस्टल मिला। अच्छा, जुबली हॉल हॉस्टल को अगर बच्चे गूगल करेंगे तो उनको पता चलेगा IAS फैक्ट्री बोलते हैं। वहाँ पे जाने वाला 100 में से 70 बच्चा IAS बनता था। अच्छा, तो मैं वहाँ गया, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी। अच्छा, थी कॉलेज में बड़े बड़े वो होते थे, क्लासरूम होते थे जिसमें 4-4 गेट लगा होता है। मैं जाता, देखता बढ़िया क्लास चल रही है, और घूम के वापस आ जाता। बढ़िया पढ़ो तुम लोग, बहुत अच्छा। फिर आप कॉलेज से कैसे आप निकले और टीचिंग फील्ड में आए? टीचिंग फील्ड में तो क्या है कि MSc किया मैंने 2 साल, तो 5 साल हो गया था। अब 5 साल से बाहर रह रहे, घर वाले ने बोला कि अब तो तुम्हें जो भी पैसा भेजना था हॉस्टल में तो कम लगने लगा था, लेकिन 5 साल हो गया था कि अब आगे क्या करना है। तो बाहर जब निकला तो नौकरी की जरूरत पड़ी, नौकरी की जरूरत पड़ी, तो एक दोस्त मेरा आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता, तो उसने मुझे रिकमेंड कर दिया वहाँ पे। मैं वहाँ पे गया, रिटन डेमो दिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे पढ़ाने लगा। अच्छा, तो जब मैं ट्रेनिंग लेना शुरू किया पढ़ाने के लिए, तो उस समय क्या हुआ कि 16 या 17 लोग थे उसमें ट्रेनिंग में, 17 लोगों में से सबसे रैंक नीचे आया मेरा पहले टेस्ट। अच्छा, 17वें नंबर 17वें नंबर 17th रैंक। अच्छा, दूसरे टेस्ट में भी 17th रैंक, तीसरे टेस्ट में 17th रैंक। तो लोगों ने बोला कि यार तुमको नौकरी से निकाल देंगे, ऐसे कोई रैंक तो नहीं लाता है, और तुम्हारा कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस है, तुमको तो निकाल देंगे। अब डेमो देने गया तो मैं पढ़ा भी नहीं पाया, तो डरा दिया सबने। तो एक दो लड़के IIT के थे उसमें, मैंने उनसे दोस्ती करी, तो मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया, और फिर जो जिस चैप्टर का टेस्ट होता ना, तो वो पूरा मॉड्यूल मैं लगा के चला गया। अच्छा, तो उससे मेरे मतलब 4th-5th रैंक आ गए। अच्छा, और फिर आगे जैसे टेस्ट हुए मेरे 2nd, 1st, 3rd ऐसे रैंक आने लगा। तो उस समय मैंने क्रैक कर लिया था कि कैसे कैसे क्रैक कर लिया, मैंने मॉड्यूल ही लगा लिए पूरे। तो अगर कोई टीचर देख रहा हो तो मैं आपको बताऊं कि कभी भी अगर आप टीचिंग करियर शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े सवाल, ये एडवांस के सवाल, मोटे मोटे किताब के सवाल, और बहुत किताबें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होता है, PYQ होता है, वो पूरा लगा लो। सही बात। और उसके बाद डिलीवरी का स्किल डेवलप करो, बस यही है टीचिंग का। तो जयपुर में जब मैं पढ़ाने गया तो वहाँ पर डेमो लिया 2-3 लोगों ने मिलकर, तो टीचर्स ने बोला कि आप पढ़ा नहीं पाओगे कभी जीवन में, गलत आ गए तुम, गलत फील्ड में आ गए, तुम्हें बोलना नहीं आता, जब पढ़ाओगे तो बच्चे रिफंड ले लेंगे, बच्चे पढ़ाओगे तो बच्चे सो जाएंगे क्लासरूम में। ये वही वाली बात हो गई जो आपके साथ बचपन में हुई थी। हाँ, तो दोबारा बेइज्जती मेरी बहुत खतरनाक बेइज्जती हुआ उस समय में। डिप्रेशन नाम की चीजें तो हम नहीं जानते थे, और अभी भी आप जानते हो कि डिप्रेशन और ये सारी चीजें तो बहुत लोगों को समझ नहीं रहती है। तो मैं उस समय शायद डिप्रेशन में चला गया था, एक दो बार रोया भी इस बात को लेकर के, फिर मुझे लगा कि मैं टीचिंग के लिए नहीं बनाऊँ, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब ये सोचा था कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बेइज्जती बहुत होती थी। और आपने फिजिक्स ही क्यों चुना था उस टाइम पे जब? क्योंकि मेरे पास पैसे एक ही ट्यूशन के थे।
और ट्यूशन में एक ही कर सकता था, वो तो फिजिक्स किया। अच्छा, अब पढ़ाते टाइम भी आपने फिजिक्स ही चुना? फिर पढ़ाते टाइम जब आप टीचिंग, लेकिन फिजिक्स ऑनर्स किया ना फिर। अच्छा, एमएससी में फिजिक्स था तो फिजिक्स से थोड़ा थोड़ा रिश्ता बन गया था। तो एक जो सबसे ज्यादा उम्मीद की किरण थी वो ये था कि राजस्थान में मैंने पढ़ाया, बाकी शहरों से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान के बच्चे रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो मैं धीरे धीरे दो चार चीजें सीख के जब उनको डाउट बताया ना, तो उनको उनके चेहरे पे जो स्माइल था और जो पैर छूना बच्चों का, तो ये ना बड़ा अट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, इन चीज के लिए मैं करूंगा, मजा आ रहा बच्चों के साथ बात करने में, उनके डाउट सॉल्व करने में। तो मैं शाम को रात को पढ़ता था, बच्चों को डाउट बताता था। उसके बाद मुझे 8th 9th 10th के बैच दिए गए, उन्होंने बोला कि आप पढ़ा नहीं पाओगे 11th 12th, तो 8th 9th 10th पढ़ाओ। तो मैंने दिल से पढ़ाया उसको, मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं 8th 9th 10th ही पढ़ाऊंगा, पैसे मत काटना बस, है ना, निकालना मत। तो उन्होंने निकाला नहीं और रखा मुझे। 8th 9th 10th मैंने पढ़ाया, 8th 9th 10th के बाद 11th पढ़ाया। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, तो पहले जो एग्रेशन मेरा लड़ाई झगड़े में, बदमाशी में, मोहल्ले में घूमने में निकलता था, अब वो पढ़ाई में निकलने लगा। अब मैं क्लास में जब पहुंचता था तो 40 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि 40-60 बच्चे ही होते थे जयपुर क्लासरूम में। 60 बच्चे में किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच क्लास में वो 5 मिनट बोल के बाहर बाथरूम चला जाए, क्योंकि जो करना पहले मैं लॉक कर देता था अंदर से। अच्छा, और हमने तो ये भी सुना है कि आप बोर्ड के आगे भी बढ़ जाते थे दीवारों पे। मैंने मतलब पढ़ाने में ये था ना कि मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ किसी फ्लो में हूँ, अब तो ऑनलाइन में काफी चेंज हो गया, मैं फ्लो में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं रुक नहीं सकता। अब बोर्ड खत्म हो गया तो मैं वो व्हाइट कलर के मार्कर से दीवार पे लिख देता था, इस तरफ दीवार खत्म हो गया तो इस तरफ लिख देता था, फिर गेट पे लिख देता था। तो ऐसे ही मैं पढ़ाता था, ये जर्नी यहाँ तक पहुँच गई जयपुर तक। सर एक सवाल और है हमारा कि कैमरे वाले एमआर सर और रियल लाइफ वाले एमआर सर में क्या अंतर है, या हम एमआर सर से जानना चाहते हैं। क्लास में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, गाली दे रहा है, तो मैं ये नहीं समझ पाता कि हो सकता है यार फन के लिए कर रहा होगा, हो सकता है कोई स्पैमर होगा, मैं उसको सीरियस ले लेता हूँ। अच्छा। तो एक मुझे ड्रॉबैक लगता है इसमें, जेन्युइनली मैं कई बार चाहता हूँ ना करूँ लेकिन फिर भी हो जाता रिएक्ट, क्योंकि इस इंस्टेंट में नहीं पता ना कि बैक ऑफ द कैमरा कितने बच्चे बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, वहां तो वही दिखता है जो चल रहा होता है। दूसरी बात की कैमरे पे मैं मतलब थोड़ा सा धमकी उमकी दे देता हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन असल लाइफ में अब मैं बहुत शांत हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, ज्यादा मैं किसी से बात इतना नहीं करता हूँ। सर लाइफ की कोई लर्निंग आपकी, क्योंकि इतनी जर्नी अगर बच्चों ने सुन ली तो काफी कुछ सीख लिया बच्चों। लाइफ की जर्नी, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो बच्चों? लाइफ की जर्नी यही है कि कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर, मैं जेन्युइनली बताता हूँ, कई लोग कहेंगे कि सर किस्मत भी होता है कुछ, लेकिन किस्मत उसी का होता है जिसने कुछ मेहनत किया होता है। अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा काम चोरी करी है तो क्या किस्मत आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा देगा? नहीं करवाएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो किस्मत का काम यही होता है कि वो डेल्टा टी को बड़ा या छोटा कर सकता है। और दूसरी बात, अगर मेहनत करी है तो सफलता मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मुझे अभी इंस्टेंटेनियसली याद आ रहा है, बोमन ईरानी करके जो है, उनको बहुत लेट ब्रेक मिला था 40 साल की एज के बाद, और जब उनको ब्रेक मिला तो पूरी दुनिया उनको जानती है। हो सकता है कि आपने जो 11th 12th में आज जी जान लगा के मेहनत किया, बहुत अच्छा सीखा है, एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन 3 साल बाद क्या पता बहुत अच्छे टीचर बन जाओ, सही बात है, दुनिया जाने आपको। बहुत बढ़िया। सर पीडब्ल्यू में कैसे आना हुआ आपका, और 3 साल जो हो गए आपको, उसकी जर्नी जानना चाहते हैं। 3 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे अब तो। 3 साल का मैसेज मुझे 6 महीने पहले आया था। अच्छा। तो पीडब्ल्यू में अगर मैं सच बताऊं तो जब कोविड हुआ तो मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और उस पर मैंने कोटा में मैं पढ़ा रहा था उस समय, 3 साल हो गए थे कोटा में, 2-2.5 साल हो गए थे कोटा में पढ़ाते हुए। तो उस समय जब कोविड आया तो कोचिंग वालों ने पैसे नहीं दिए, है ना, 20-30 हज़ार रुपये दे के बोला कि हो गया इतना ही दे सकते हैं, कोचिंग वालों ने पैसे नहीं दिए। और उसी समय मेरी शादी हुई थी, शादी में जो था वो खर्च कर दिया था। तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, कोचिंग छोड़ दी और पढ़ाना शुरू किया। तभी अलग सर ने अपना जो ऐप लॉन्च किया था, उसके बाद ही किया था, कोविड से मार्च के बाद, जून में किया था। तो 3 महीने तक संघर्ष का जीवन रहा। उसके बाद एक नांदेड़ में कोचिंग थी जिसके लिए मैं ऑनलाइन पढ़ाता था थोड़ा, और कोटा में एक छोटा सा स्टार्टअप भी किया था हमने नीट सारथी करके। तो ये चीज़ें चल रही थी लाइफ में, स्ट्रगल चल रहा था, YouTube पे वीडियो डालता था, थोड़ा बहुत पढ़ाता था, वैसे ही चल रहा था। तो अलग सर जब आए और उनका मैंने देखा कि ऐसे चीज़ें चल रही है, बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं, तो मुझे था कि उनके साथ अगर पढ़ाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे। तब आप भी मिले थे उस समय कोटा में, आप हमारे साथ ही पढ़ाते थे, तब आपस में डिस्कशन हुआ था आपके साथ कि चलते हैं पीडब्ल्यू, बढ़िया है, लेकिन कोई लिंक नहीं मिल रहा। तो जब लिंक मिला तो उनको केमिस्ट्री टीचर की जरूरत थी, तो मैंने आपको बताया, उनको पंकज सर को से बात करिए,
और शायद आप उन्होंने आपसे पूछा फिजिक्स टीचर की, तो आपने मेरा नाम बताया था, तो ये कहानी है। तो मैंने ना फटाफट जो घर पे रिकॉर्ड किए थे ना 5, 6, 7, 8, 10 लिंक भेज दिए उनको यूट्यूब वाले। तो अलग सर और प्रतीक सर, उनको एक भी वीडियो पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया तो 5 और भेज दिए, वो भी पसंद नहीं आया। पसंद आना होता है तो 2 लिंक में आ जाता है, 2 वीडियो में आ जाता है। अब नहीं आना है तो नहीं होगा, तो मैं घबरा गया, अरे इनको पसंद ही नहीं आ रहा। फिर तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पांचवा, छठा, सातवां, 20-25 वीडियो भेज दिए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने बोला चलो काम गड़बड़ हो गया ये। तो फिर मैंने मैसेज किया कि सर PW में कोई नीड है तो बताना। उन्होंने बोला कि हाँ नीड होगा तो बताएंगे। मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर इनको अपन दिल्ली में आए थे, एक कोचिंग थी जिसके से कोलैबोरेट करना था, तो मैंने बोला इनको दोबारा से कि मैं भी एक डेमो रिकॉर्ड कर देता हूँ दोबारा से। तो मैं दिल्ली आके रात में 1-2 बज रहे थे, मैं 1-2 बजे मैंने डेमो रिकॉर्ड किया। वो डेमो अलग सर को पसंद आया और प्रतीक सर को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि ठीक है कर लो कुछ बात। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगा था कि तुरंत हायर कर लिया, थोड़ा अच्छा लगा था। तो फिर मैंने प्रतीक सर से ही बात होती थी, अलग सर से उस समय बातचीत थी नहीं। मैंने प्रतीक सर को बोलता था कि अब गुड मॉर्निंग सर कुछ है, बोला नहीं सर अभी कुछ नहीं है। फिर मैंने बोला हैप्पी दिवाली सर, अब कुछ आया क्या, कुछ है प्लान तो बताओ। तो बोले हैप्पी दिवाली सर अभी कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम कुछ आएगा तो आपको बताएंगे। तो PW में हिंदी मीडियम आया था 2020 ही था, 2021 लग गया होगा वो वाला। अच्छा, अगर क्रैश कोर्स आया होगा तो। क्रैश कोर्स आया था, हाँ। तो हिंदी मीडियम क्रैश कोर्स आया था, तो उसके लिए बात हुई, पैसे बोले थे नहीं देंगे, इतने ही पैसे में काम करना पड़ेगा। तो मैं जितना कमा रहा था उससे 1/3 पे आया था मैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे पढ़ाना था। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए कोई और टीचर देख रहे थे यहाँ पर, इनको लग रहा था ये इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि अपनी टोन वैसी थी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो ये कोई और टीचर देख रहे थे, इनको टीचर नहीं मिला उस समय। और बैच का डेट आ गया कि कल बैच में लेक्चर जाना है, और टीचर मिला नहीं। हिंदी मीडियम के लिए मैं आया था, तो उन्होंने बोला कि कोई टीचर ही नहीं मिल रहा। तो फिर मेरे पास फोन किया कि आप पढ़ा लोगे क्या। तो मैंने बोला कि यार इतने पैसे में तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक की बात हुई है। तो बोला कि नहीं नहीं आप तो बोल रहे थे कि आप पढ़ाओगे, आपको पढ़ाना पसंद है। यार पढ़ाना पसंद है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ऐसे करोगे। तो फिर बोला कि चलो ठीक है तो रहने दो। फिर मुझे लगा ये मना कर रहे हैं, मना कैसे कर रहे हैं यार। तो मैंने बोला कि चलो मैं पढ़ा दूंगा। तो मैंने उसी पैसे में पढ़ाना शुरू किया और फिर वो बैच क्रैश कोर्स पढ़ाया। तो मुझे अभी याद है कि हमने कभी वायरलिटी के लिए नहीं पढ़ाया। बिल्कुल सही बात, हम कभी फेमस होने के लिए, दिल से बता रहा हूँ मतलब ये गलत नहीं है, कभी भी वायरलिटी के लिए फेमस, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम इतने फेमस हो सकते हैं या वायरलिटी आ सकती है। तो इस चीज के लिए कभी पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया प्योर कंटेंट कि बच्चे को समझ में आया, जान लगा दिया उस समय। और उसी का रिजल्ट है रूबी सेलेक्ट हुई थी और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें। तो 4 महीने तक तुमने यूट्यूब देखा ही नहीं था जब हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे। तो और बढ़िया पढ़ाया, उसके बाद 11th अर्जुना पढ़ाया, और अर्जुना के बाद मैं लक्ष्य भी पढ़ाया था उस साल। तो PW के पहला अर्जुना और पहला लक्ष्य से अभी तक जो लक्ष्य बनते हो सारे मैं पढ़ाता हूँ। सर यकीन में कैसे पढ़ाते हो और लक्ष्य में कैसे पढ़ाते हो, कुछ अंतर रहता है क्या? बच्चे आजकल बोलते हैं ऐसा कि अलग अलग बैचेस होते तो अलग अलग कंटेंट जाता है, ऐसा होता है क्या? मैं लक्ष्य में थोड़ा बोर्ड ओरिएंटेड रहता है, लक्ष्य में थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं क्योंकि टाइम रहता है आपको, मतलब थोड़ा डेल्टा टी ज्यादा है, हाँ। बट और थोड़ा क्लासेस अल्टरनेट आता है, लक्ष्य में रेगुलर नहीं आता, एक ही में रोज क्लास होता है आपका। तो थोड़ा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं और बच्चों को बाद में 11th भी रिवाइज कराते हैं, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ाते। बाकी कंटेंट ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत 20-30% अलग हो सकता है, बट कंटेंट वही पढ़ाते हैं, डिलीवरी वही रहती है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी लक्ष्य से पढ़ सकता है, समझ सकता है, और यकीन में भी वैसा ही रहता है, डिलीवरी तो सेम ही रहता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, हमने कभी ये सोचा नहीं था। पिछली बार मुझे याद है कि सैम्यूल, रजा, इन सब का OMR मेरे पास पहुंचा था, और पहले उसने मुझे ही भेजा था OMR, और बैठ के जब मैं OMR मिला रहा था तो मुझे नहीं पता था इसके इतने नंबर आएंगे। वो क्लेम कर रहा था, लेकिन क्लेम तो कोई भी कर देता है। हाँ। तो जब वो नंबर आए और धीरे धीरे सुमेघा और सुमिग्रा और भी ये है, वैभव है, तो ये जब रिजल्ट आए तो बड़ा खुशी हुआ कि हमने पढ़ाया है इनको, और ये ट्रू मतलब जेन्युइन स्टूडेंट लक्ष्य के थे, लक्ष्य के बच्चे थे। मतलब आप कहो कि लक्ष्य में टॉप 100 में 4 बच्चे लक्ष्य थे, और आज भी बोलना नहीं चाहिए, कई अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टॉपर्स के प्रोग्राम चलते हैं वहां पे बच्चे अपने यकीन और लक्ष्य पढ़ते हैं,
वो पढ़ते हैं, उसमें 10 बच्चा अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉपर्स प्रोग्राम में है, उसमें से 6 से 7 बच्चा अपने से पढ़ता है लक्ष्य बैच से। और ये ग्राउंड रियलिटी है जो लोगों ने मुझे बाद में बताया। सर अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते हैं? एक बार की बात है, जब मैं 10th में था तो मेरे मामा ने बोला कि देखो पढ़ना तो तुमको है नहीं, क्योंकि 10th तक पढ़ ही नहीं थी, स्कूल गए ही नहीं थे, तो तुम कोलकाता चले जाओ या दिल्ली चले जाओ, हमारे गांव से वैसे बिहार में बहुत जत्था जाता है वहां पे काम करने। मैंने बोला था काम करने चले जाओ, तो या तो मैं कुछ कंपनी वंपनी में, ये पहले शुरू तो लेबर से ही करता लेकिन कुछ अच्छा मैनेजर वगैरह बन ही जाता 10 साल में, नहीं तो मैं आर्मी में होता। हाइट कम है तो आर्मी में भी नहीं जा पाता, तो वो भी ऑप्शन नहीं था। सर आपके फेवरेट टीचर कौन है पूरे अब तक का आपका जो जर्नी रहा है पूरे? मकबूल हसन, जो बहुत अर्ली एज में जब मैं बिल्कुल जीरो पे था तब मुझे थोड़ा पढ़ाया समझाया, बाकी तो सभी टीचर्स अच्छे लगते हैं, फेवरेट टीचर्स तो सारे ही हैं। सर आपकी कॉलेज में क्रश कौन थी? कॉलेज में थी 2-4 लड़कियां थी, नाम भी भूल गया, अच्छी लगती थी। क्रश का मतलब तो जो अच्छी लगती है उसी को बोलते हैं शायद, तो ठीक है अच्छी लगती थी। सर ये MR सर के आगे जो एक स्टार लगा है ये कहां से आया है? ये बच्चे जानना चाहते हैं। कोटा से है। कैसे? तो हाँ जब मैं गया था ना तब शायद मैं रहूंगा 23-24 साल का रहूंगा, कोटा में गए यही रहेंगे 24-25 के, और वहाँ पे कोटा में मल्टीपल ड्रॉप बच्चे बहुत करते हैं। तो कोटा में जब मैं पहली क्लास में गया था 400 बच्चे बैठे थे, और 400 बच्चे में लगभग एज वही 18-20-21 के एज के थे, और कोटा के जितने फेमस टीचर्स थे सबके नोट्स लेके बच्चे बैठे हुए थे, और मैं गया तो हंसने लगे, कहते ये क्या पढ़ाएगा, अभी बताता हूँ क्या पढ़ाऊंगा। मैंने लिखा सवाल, और सवाल लिखा, बोले करो सॉल्व इसको, सबने अपना अपना दिमाग लगाया, और मैंने उसको आसानी से 2 लाइन में कर दिया, तो वहां पे एकदम शांति छा गई। तो उस बच्चे ने ही नाम दिया था एक, अच्छा कि ये रहा है मां स्टार। अच्छा तो वो एक दिन में नहीं आया था, क्योंकि पहले दिन नहीं आया था, जब 4-5 दिन पढ़ाया ना तो बच्चे ने नाम दिया ये मां स्टार है, यार सर ये बहुत जोरदार चीज है। आज मतलब बाय गॉड ग्रेस बच्चों का मेहनत है और भगवान का आशीर्वाद है कि आज हमसे पढ़ के, आपसे पढ़ के, PW से पढ़ के, या पहले भी जहाँ थे वहां से पढ़ के, इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही नहीं गए हैं पढ़ने, कुछ सीख के समझ के पढ़ के गए हैं, तो इतनी कैपेबिलिटी हमारे में है, क्योंकि बच्चों की मुझे लगता है वो जो एज होती ना, हाँ वो बहुत जज करते हैं और बोलते ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, लेकिन थोड़ा टाइम दो चीजों को, और हर चीज में होना चाहिए, सिर्फ टीचिंग में नहीं, रिलेशन में, करियर में पेशेंस रखना पड़ता है। सर एक राउंड है जो हमें खेलना है, ठीक है, इसमें आपको यस और नो में आंसर देना है, ठीक है नेवर हैव आई एवर, ठीक है। तो पहला सवाल यह है कि क्या आपने कभी बैगन का भरता बनाया है? हाँ खूब बनाया, यस। कितनी बार बनाते हो दिन में? दिन में आप नहीं बनाते हैं अब नहीं बनाते, लेकिन अच्छा। गांव में बनाते थे, अच्छा। लिट्टी चोखा बैगन सब बनाते। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपने कभी किसी के मुंह पर झूठी तारीफ की है? वो तो रोज का काम है, करना पड़ता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छा। और टीचर के लिए तो खासकर करना पड़ता है, अरे सर क्या पढ़ाते हो आप, वाह मजा आ गया जोरदार, करना पड़ता है। सही है। सर तीसरा सवाल है, क्या कॉलेज में आपकी गर्लफ्रेंड थी? थी। कौन थी पूछ लूं क्या एक और? नहीं, ठीक है चलो। सर अगला सवाल है, क्या आपने कभी किसी टीचर को परेशान किया है? टीचर को परेशान करने का तो कोई खास नहीं, हाँ यूट्यूब पे स्पैमिंग करता था। अच्छा आप छोड़ दिया, पहले करता था मैंने, देना 1-2 साल पहले, तो ऐसे यार मतलब अच्छा। कोई भी पढ़ा रहा है, जैसे आप पढ़ा रहे हो तो बीच में घुस के AIR तो मैं ही 1 लाऊंगा, मेरा AR 1 है, बाकी सब देख अच्छा, बच्चे करते हैं इस टाइप की स्पैमिंग। हाँ इस टाइप की स्पैमिंग करिए, कुछ भी लिख देना। सर कभी ऐसा हुआ है आपने कोई पेपर दिया और आप गलत आंसर लिख के आ गए और आपको लगता हो कि नहीं मैंने बहुत अच्छा लिखा था आंसर, बाद में पता चला गलत हो गया? हाँ ये हुआ था ना, जब मैं बिहार में GRF क्लियर करके ना एक पेपर दिया था, और पेपर में क्या होता है कि उसमें कॉलेज में प्रोफेसर का पेपर था, तो उसमें एक सवाल आया था कि वो बड़ा वो याद है मुझे कि नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव और नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ था। तो मैंने मे बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव लगा के आया, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स 2 तरह का होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन बाद में पता चला कि वो न्यूक्लियर फोर्स का मतलब स्ट्रॉन्ग ही पूछता है, अच्छा तो ऑलवेज अट्रैक्टिव आना चाहिए था। तो बच्चों आप लोगों को आई होप ये एपिसोड पसंद आया होगा और बहुत सारी लर्निंग आपने यहाँ से सीखी है। चलिए तो बहुत मजा आया सर आज आपसे बात करके, और आपकी जर्नी बहुत कठिनाइयों से होती हुई अच्छे सफर की तरफ चली, और बच्चे काफी कुछ सीखेंगे इस वीडियो से कि कहाँ से MR सर ने स्टार्ट किया और अब आज की डेट में कहाँ पर MR सर पहुँच चुके हैं। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच की जो सारी बातें हैं वो आपको MR सर ने बताई और आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बहुत बहुत धन्यवाद।